आज हम डिस्कस करेंगे जो 2023 में अप्रैल में है मेरा केमिस्ट्री का पेपर हुआ, मतलब आज ही हुआ है, मेरी रिकॉर्डिंग तो आज हुआ है, बट आप जब देखोगे तो आपको पता चल 2023 में हुआ है। तो मतलब केमिस्ट्री का पेपर था तो ठीक था वैसे, पर ना जिन्होंने जो पिछले साल का क्वेश्चन था ना वही आया हुआ था, क्वेश्चन पेपर था। सेक्शन ए में हम जनरली दो होते हैं, हम हाइड्रोजन ही पढ़ लेते हैं क्योंकि एक हाइड्रोजन होता है, एक एस ब्लॉक होता है। तो मैं भी हाइड्रोजन पढ़ के गया था, पर हाइड्रोजन का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था, बाकी सारा का सारा एस ब्लॉक का आया हुआ था। ये देखो, ये सारे एस ब्लॉक के क्वेश्चंस थे, हाइड्रोजन और एस ब्लॉक होते हैं मेरे है फर्स्ट फर्स्ट यूनिट में। तो मैं हाइड्रोजन पढ़ गया था, मैं तो मेरा मेरा एक ही क्वेश्चन कर पाया हूँ, बाकी तो मैंने नहीं किए क्योंकि वो जाते नहीं थे। तो हाइड्रोजन, तो इस बार मिक्सिंग आ गई, तो वो बहुत मतलब इस बार मिक्सिंग आई। बस जनरली आपको पता है ना कि एक हर एक यूनिट में दो चैप्टर होते हैं, एक चैप्टर ऊपर एक नीचे होते हैं, तो इस बार मिक्सिंग हो गई थी। तो फर्स्ट सेक्शन में तो डिफिकल्ट ही है। हाँ, पर फोर्थ जो सेक्शन बी था उसके अंदर मेरा नोबल गैसेज वाला मुझे पार्ट अच्छे से आता था क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था। इसके अंदर जो क्लैथरेट कंपाउंड है ये भी लास्ट टाइम पेपर में आया था, ये ऑर्थो और पैरा भी लास्ट टाइम पेपर में आया हुआ था, ये भी लास्ट टाइम पेपर में आया था। मतलब इस बार बस जनरली होता नहीं है कि लास्ट टाइम का, इस बार ना जो मतलब जो बच्चे पिछले साल का पेपर क्वेश्चन पेपर पढ़ के गए थे ना पूरा, तो उनके भी अच्छे मतलब आराम से वो पास हो सकते हैं सिर्फ पिछले साल का क्वेश्चन पेपर पढ़ के, वरना वैसे होता नहीं है ऐसा क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन आते हैं पिछली बार के पेपर में से। पर इस बार ये देखो, जो लिथियम आयन वाला था ये भी पिछले साल आया हुआ था, मैंने पढ़ा इसलिए नहीं था क्योंकि मैंने सिर्फ पहले चैप्टर में सोचा कि मैं हाइड्रोजन वाला पार्ट अटैम्प्ट करूंगा, तो हाइड्रोजन का सो आया, एक ही क्वेश्चन आया। और ये वाला सेक्शन नंबर सी में भी देखो, इस वही आप मिक्सिंग लगेगी। देखो सेक्शन नंबर सी में मिक्सिंग, ये स्टेट पाथ फंक्शन वाला हमें ऊपर क्वेश्चन आना चाहिए था, ये एंट्रोपी वाला नीचे आना चाहिए था, ये भी ऊपर, मतलब पहले दो चैप्टर में ये दूसरे दो मिक्सिंग आ गई थी। तो ये देखो, किरचॉफ लॉ भी लास्ट टाइम आया हुआ था, नर्नस्ट हीट थ्योरम भी लास्ट टाइम आई थी, और ये वाला क्वेश्चन भी सेम एज दिस क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, मतलब रिपीट हुआ है इस बार पेपर। और इधर देखें तो इधर ये केपीकेसी वाला, ये भी लास्ट टाइम आया हुआ था, ली चार्टर्ड ब्रिज, ये भी ये जितने भी तीनों क्वेश्चन है सेक्शन नंबर 7 के तीनों क्वेश्चन ये लास्ट टाइम एज इट इज पूछे गए थे, ये लास्ट टाइम ऐसे ही आए थे। बफर सोल्यूशन नहीं, ये वाला भी, ये भी लास्ट टाइम आया हुआ था। ये देखो, डेल्टा जी और जी नोट का क्वेश्चन ये ऊपर पूछना चाहिए था, और ये आयनिक ये दोनों नीचे आने चाहिए थे। देखो इस मिक्सिंग हुई है ना, इस बार मिक्सिंग हो गई, तो मतलब कुछ भी नहीं पता होता एग्जाम में कैसा डाल दे वो। हमने तो ये सोचा था हम एक सेक्शन अटैम्प्ट कर लेंगे, पर ये मिक्स करके डालना हुआ है। बाकी वही है, वन वन मार्क के तो चलो ठीक ही आए थे, देखो आप देख लो वन वन मार्क के। मैंने इसके बाद लास्ट में वीडियो के पीडीएफ आपको अपलोड किए, वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना आप, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना आखिरी में जाके। अब मैं आपको ये बता देता हूँ जो जो क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे और इस बार भी आए थे, ये दो तो मैंने बता दिया, लास्ट ईयर भी आए थे, इस बार भी आए हैं, ये भी लास्ट ईयर आया था, ये क्लैथरेट कंपाउंड ये भी लास्ट ईयर आया था, ये स्ट्रक्चर इसमें इसकी स्ट्रक्चर लास्ट ईयर आई थी, इस बार भी आई है। ये देखो कैल्शियम ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आना चाहिए था, तो यहाँ पे डाल दिए इन्होंने, ये तो लास्ट ईयर आया ही है, ये भी लास्ट ईयर आया था, ये भी लास्ट ईयर आया था, ये तीनों के तीनों। देखो सेक्शन डी पूरा, जिन बच्चों ने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ा था ना उनका तो पूरा ही 10 नंबर यहाँ से पक्के ही हो गए हैं। ये लास्ट ईयर ऐसे न्यूमेरिकल आया था सेम टू सेम। तो ये था क्वेश्चन पेपर, तो इस बार का पेपर चलो फर्स्ट सेक्शन थोड़ा सा मतलब मिक्सिंग वाला था, पेपर ऐसे ईजी था मेरे अकॉर्डिंग तो। हाँ, बट यहाँ पे मुझे पूरा, मैंने पूरा सेक्शन छोड़ दिया, मैंने यहाँ पे एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है। तो ये था हमारा पेपर।